हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सीता का घर और यहाँ अभी सुबह का समय है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर नीलू और स्वीटी सो रहे हैं। अली मम्मी, थोड़ा सा पीछे को होइए ना, मैं मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आ पा रही, थोड़ा पीछे हो जाइए। अरे क्या स्वीटी, तुम मुझे पूरी रात से परेशान कर रही हो, इससे अच्छा तो मैं चटपटी को ही अपने पास सुला लेती। मैंने तुम्हें अपने पास सुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ओ, मुझे कितना ज्यादा नींद आ रहा है अभी भी। अरे भाई मुझे सोने दो, मैं सोती हूँ, चलो चलो सोती हूँ। अरे बाप रे, कितना ज्यादा नींद खराब करती है स्वीटी। चलो चलो अब सोती हूँ, मम्मी ने थोड़ा जगह तो दे दिया, चलो चलो अब सोती हूँ। और फिर यहाँ पर नीलू और स्वीटी खराटे लेकर सोने लगती है। और फिर तभी यहाँ पर कोई बड़ा सा सांप जंगल से आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही बड़ा सांप है। अरे बाप रे, लेकिन ये यहाँ पर क्यों क्यों जा रहा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे मुझे लगता है ये सांप कहीं पर जा रहा है। अरे अरे ये क्या, ये सांप तो नीलू और स्वीटी के पास ही जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो इनके बिस्तर के ऊपर चढ़ गया है, भगवान। और यहाँ पर सांप नीलू और स्वीटी के ऊपर चलने लगता है। अरे ये क्या, कहीं ये सांप इन दोनों को काट ना ले। नीलू 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 उठो, नीलू उठो, स्वीटी स्वीटी उठो, देखो ये सांप तुम्हें काट लेगा नहीं तो आज। अरे बाप रे, ये क्या, ये सांप तो इनके बिस्तर के अंदर घुस गया। और यहाँ पर सांप स्वीटी को गुदगुदी करने लगता है। अली मम्मी आप ये क्या कर रही है, अब गुदगुदी का टाइम नहीं है, सोने दीजिए मुझे। और फिर तभी यहाँ पर सांप नीलू के ऊपर भी जाने लगता है। अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो स्वीटी, मुझे सोने दो भाई, तुम कब से मुझे परेशान करे जा रही हो, अब तुम मुझे गुदगुदी करने लगी, ऐसा मत करो। अरे मम्मी मैं कहाँ आपको गुदगुदी कर रही हूँ, आप ही थोड़ी देर पहले मुझे गुदगुदी कर रही थी। अरे क्या बोले स्वीटी, तुम अपनी मम्मी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो भाई। अरे मम्मी आप ये सब क्या बोल रही, मैंने तो आपको गुदगुदी किया ही नहीं। अरे मैंने मम्मी को गुदगुदी नहीं किया और मम्मी ने मुझे भी नहीं किया, फिर ये किसने किया हम लोगों को गुदगुदी, चलो चलो मैं उठकर देखती हूँ। और फिर यहाँ पर स्वीटी उड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सीता आंटी भी सो रही है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर हम लोगों को किसने गुदगुदी किया, अरे ऐसा कैसे हो गया है, जरूर मुझे धोखा हुआ। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे ये क्या, अरे मम्मी देखिए ना आपके ऊपर सांप है, सांप उठिए उठिए, कितना बड़ा सांप, अरे बाप रे तो बहुत ही बड़ा सांप है। अरे क्या बात है स्वीटी, तुम मुझे ऐसे परेशान करोगी क्या, अब तुमने भी ना पूरी रात ही खराब कर डाली मेरी, देखो ना ऐसा करते करते पूरी सुबह ही हो गई है, तुम भी मुझे कितना परेशान करती हो, सांप कहाँ से आया यहाँ पर भाई। अरे मम्मी मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके ऊपर सचमुच का सांप है, उसी ने हम लोगों को गुदगुदी भी किया था, प्लीज मम्मी उठ जाइए उठ जाइए, वो आपको काट लेगा। अरे सांप भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। अरे कहीं स्वीटी सच तो नहीं बोल रही है, चलो एक बार देखती हूँ उठकर। और फिर यहाँ पर नीलू भी उठने लगती है, चलो चलो उठकर देखती हूँ। अरे ये क्या, ये तो सचमुच का सांप है, हे भगवान ये मेरे ऊपर कैसे आया, स्वीटी तो सच ही बोली थी। उठो उतरो उतरो मेरे ऊपर से, उतरो उतरो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर से उतरो उतरो, मैं कोई तुम्हारा खाना नहीं हूँ, उतरो उतरो मेरे ऊपर से। अरे सच में स्वीटी तो सही बोल रही थी, ये तो सांप है बहुत ही बड़ा और जहरीला। अरे बाप रे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, स्वीटी स्वीटी कुछ करो, ये तो मुझे हिलने भी नहीं दे रहा है। अरे मम्मी आप डरिए मत, मैं अभी कुछ करती हूँ। अरे मैं क्या करूँ, पापा तो खेत गए हुए हैं लगते ही, चलो एक बार देख कर आती हूँ, सीता आंटी को जगाती, नहीं तो आप मम्मी हिलिएगा मत, नहीं तो ये सांप आपको काट लेगा, रुकी मैं अभी आती हूँ। अरे सांप मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे ऊपर से उतर जाओ, मुझे तुम लोगों से बहुत ही डर लगता है, सांप सोप से। मेरे ऊपर से उतर जाओ भाई। और यहाँ पर सांप नीलू के ऊपर चल रहा होता है। अरे ये क्या लगता है, ये सांप नीलू को काटेगा आज ही। स्वीटी स्वीटी भाई कुछ करो जल्दी, सीता सीता उठो, महेश जी मुझे बचाइए सांप से। ये क्या बला है, सीता आंटी उठिए उठिए, देखिए मम्मी की जान खतरे में है, जल्दी उठिए, वो सांप मम्मी को काट रहा है, जल्दी उठिए सीता आंटी। अरे क्या हुआ स्वीटी, तुम भी ना मुझे परेशान करने आ जाती हो भाई, क्या बात है, अच्छा बताओ मुझे। अली सीता आंटी पता नहीं हमारे बिस्तर में इतना बड़ा सांप आ गया, वो मम्मी के ऊपर ही चिपट गया, जल्दी चलिए मम्मी को बचाइए, नहीं तो वो आज मम्मी को खा जाएगा। अरे क्या सच में, तुम क्या सच बोल रही हो क्या, चलो 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 मुझे लेकर चलो, मैं दीदी को कुछ नहीं होने दूंगी, दीदी दीदी मैं आ रही हूँ, आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर सीता भी आ जाती है। अरे अरे बाप रे, ये क्या है, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, ये सांप तो दीदी के गले में लिपटा हुआ है। अरे क्या चाह रहा है, मैं क्या करूँ, दीदी के सांप को कैसे निकालूँ गले के अंदर से।
सीता सीता मेरी प्यारी सीता मुझे बचाओ, ये सांप देखो मेरे कैसे चिपट गए गले के अंदर है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि ये मुझे काट ना ले। दीदी दीदी आप हिलिएगा मत, नहीं तो सांप को गुस्सा आ जाएगा और वो आपको जरूर काटेगा, अभी तो फिलहाल वो आपके गले में लिपटा हुआ है। रुकिए मैं कुछ करती हूँ। अरे मैं क्या करूँ, सांप को कैसे भगाऊं, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। अरे सीता आंटी आप एक काम कीजिए, बड़ा सा डंडा लेकर आइए। अरे स्वीटी तुम क्या बोल रही हो, बड़ा सा डंडा, डंडे से क्या होगा भाई, हम लोगों से नहीं डरेगा सांप। तुम्हें पता नहीं है क्या, सांप बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं और सभी लोगों को काट खाते हैं। अरे लेकिन सीता आंटी मैं आपको बता रही हूँ ना, आप एक डंडा लेकर आइए और इस सांप को मम्मी के गले के अंदर से उतारिए और फिर उसी डंडे से सांप के मुंह पर लगा दीजिएगा। अरे वैसे स्वीटी सही ही बोल रही है, सो सांप के मुंह पर मारूंगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। चलो चलो मैं जल्दी से एक मोटा डंडा लेकर आती हूँ, कहीं सांप दीदी को कुछ करना दे। अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है सांप से, सांप सांप प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हारे बच्चों को भी कुछ नहीं कहा, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। सीता सीता जल्दी आओ, ये सांप तो मेरे ऊपर ही चल रहा है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, देख रहा है मेरे ऊपर ही, मुझे बाहर सोना ही नहीं चाहिए, तो जंगल से बड़े बड़े सांप आने लगे हैं, मैं तो कभी नहीं सोगी यहाँ पर अब। और फिर यहाँ पर सीता मोटा सा डंडा लेकर आने लगती है। दीदी दीदी प्लीज आप घबराइएगा मत, मैं रुको अभी सांप को मजा चखाती हूँ अच्छे से, इसकी हिम्मत कैसे हुई आखिर। चलो चलो धीरे से सांप को इस डंडे की सहायता से हटाती हूँ। दीदी दीदी आप घबराइएगा मत। अरे अरे सीता आराम से, कहीं सांप मुझे काट ना ले। अरे दीदी आप हिलिएगा मत, ठीक है ना, मैं अभी उठा रही हूँ ना इस सांप को। अरे चलो चलो सांप नीचे आ जाओ अब तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ आज, देखना तुम जरा। यहाँ पर सीता सांप को जोर जोर से डंडे से पीटने लगती है। अरे ये क्या लगता है, सीता ने तो सांप को भगा ही दिया। और फिर जब यहाँ पर सांप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सांप यहाँ पर सीता की तरफ ही दौड़ने लगता है। अरे अरे बाप रे ये क्या, ये सांप तो मेरे पीछे ही आ रहा है, अरे लगता है अभी मुझे खाएगा। अरे नहीं, अरे भाई सीता तुम डरो मत, रुको रुको मैं अभी आती हूँ, चलो चलो मैं भी जाती हूँ सीता की मदद करती हूँ सांप को भगाने में यहाँ से, चलो चलो मैं जाती हूँ जल्दी से। और फिर यहाँ पर नीलू भी सांप को जोर जोर से पीटने लगती है। ये लो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहन को मारने की, हाँ तुम्हारे तुमने मुझे भी परेशान किया और सीता को भी, तुम्हें मैं आज इतना मजा चखाऊंगी तुम यहाँ पर कभी वापस मुड़कर नहीं देखोगी। ये लो आप सही बोल रही है दीदी, सांप अब तो दोनों साइड से फंस गया है, रुको रुको मैं भी इसे मजा चखाती हूँ। ये लो तुमने मेरी दीदी को कैसे परेशान किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम जंगल वापस भाग जाओगी, कभी वापस नहीं आओगी यहाँ पर। इतना पिटने के बाद यहाँ पर सांप को चक्कर आने लगती है और सांप वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे सीता मुझे लगता है सांप बेहोश हो गया है, देखो कैसे शांत पड़ गया एकदम से। अरे हाँ दीदी आप सही बोल रही हैं, हमने उसकी खूब पिटाई कर दी, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो यहाँ से जाएगा कैसे, वो तो बेहोश हो गया है ना। उसकी चिंता मत करो तुम सीता, मैं अभी उसे डंडे पर उठाकर बाहर डालकर आती हूँ नाले में। चलो चलो उठाती हूँ जल्दी से सांप को यहाँ से नाले में डालकर आ जाती हूँ, नहीं तो ये वापस ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पर नीलू सांप को लेकर बाहर की तरफ चली जाती है। चलो चलो डालकर आती हूँ नाले में। ये मजा आ गया, मेरी सीता आंटी और मम्मी बहुत ही ज्यादा बहादुर है, पापा लोग से भी ज्यादा, अरे वाह मेरी मम्मी और आंटी ने कमाल कर दिया। उस सांप को कितना मारा उसे बेहोशी कर डाला। अरे हाँ हाँ स्वीटी तुम अभी जानती ही क्या हो, लेडीज लोग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जब वो अपने पे आ जाती है ना तो किसी को भी नहीं छोड़ती है, तुम्हें पता है ना। अरे हाँ सीता आंटी अब मुझे पता चल गया, नारी जिंदाबाद नारी जिंदाबाद। अच्छा ठीक है स्वीटी बहुत हो गया, आप चलो जाओ जाकर जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, दीदी भी आ जाएंगी तब तक, ठीक है ना। ठीक है सीता आंटी मैं जल्दी फ्रेश होकर आती हूँ। अरे चलो मैं भी जाकर नाश्ता बना लेती हूँ। और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।